हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और ईद का थर्ड डे था, ये अम्मी के घर थे, ये अम्मी का रूम। ये अम्मी का कमरा है, ये बेडशीट उन्होंने ली थी ईद के लिए नई, बहुत मज़े की थी। मैं और सिस्टर साथ थे तो ले के आए थे, मुझे बहुत मज़े की लगी थी। और फिर हम लोग घर दावत पे, जब हम लोग रुक गए थे तो फिर रात को हम लोगों ने वापस आना था, तो नहीं वापस आए कि हम लोगों ने इतना कहा था, तो फिर इसलिए। तो अगले दिन फिर दिन को जिस टाइम हम लोग घर वापस आने लगे, तो उससे थोड़ी देर पहले हलाएँ आ गई थी अम्मी से मिलने के लिए। वो लोग फिर बैठी हुई थी, तो फिर उन लोगों ने चाय शाय बनाई थी, केक निम्बू बिस्कुट वगैरह, चाय पीने के साथ हम लोग गपशप लगा रहे थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़े की बातें और हंसी मजाक, आपस में इतने फ्रेंड हैं, बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। और कंपनी जब एक दूसरे के हम लोग को मज़ा आता है कि दूसरी कंपनी में। फिर उसके बाद जब वो लोग चले गए थे, तो फिर हम लोग भी फिर सेब सब लेने आ गए थे, चाय वगैरह भी थी, तो फिर हम लोग घर के लिए आ गए थे। तो ये हम रास्ते में थे, तो बस ईद का जब वो घर में गुजरता है, क्योंकि घर में मेहमान वगैरह कोई ना कोई ईद मिलने आ जाता है, तो फर्स्ट डे घर में ही अच्छा लगता है कि घर में ही रहें। फिर सेकंड डे जो है मेरे घर जाना होता है, दावत होती है उधर। तो फिर इस दफ़ा ये कि रात रुक गए थे थर्ड डे को, तो फिर रात में शाम को वापस आए थे, क्योंकि फिर मेरी जो मोम वगैरह थी उनकी दावत वगैरह होती है, तो काम शाम होता है, तो रात को मैं वापस आ गई थी कि काम वगैरह करना होगा, तो सुबह सुबह नहीं चाहिए। मेरी आँख से जो निकले वो
तो ये फिर हम लोग घर आ गए थे तो ये मोहम्मद इब्राहिम जो वो रैकेट के साथ खेल रहा था, और फिर ये मेरी नंद वगैरह आ गई थी सुबह, अगले दिन उनकी दावत जो थी तो वो फिर आई हुई थी, तो ये उनके बच्चे थे तो ये खेल रहे थे, ये इन्होंने अपनी लूडो लाई हुई थी साथ और वो खेल रहे थे। लूडो खेलने का भी अपना ही मज़ा है, अब तो बहुत कम खेलते हैं लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा खेली जाती थी ये, लेकिन अब लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि इस तरह की गेम्स जो है वो खेलें मिल बैठ के। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई भी है लॉकडाउन की वजह से, अब अक्सर लोग यही गेम्स वगैरह घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खेलते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। होना भी ऐसे चाहिए, मिल बैठ के खेलना वगैरह, खाना पीना साथ अच्छा लगता है ऐसे। और फिर ये नंद वगैरह के दावत की तैयारी शुरू हो गई थी, फिर ये मैंने चिकन को मसाला लगाया था, ये उनके लिए रोस्ट या फ्राई करना था चिकन, तो मैंने इसके लिए मसाला लगा के रख दिया था। और ये शामी कबाब अभी कूटे नहीं थे, अभी बस उतारा था अभी पीस के इसको, तो फिर कबाब बना के रखूँगी। और ये मीठे में बना रही थी, सेवइयाँ थी और खीर थी, और ये चिकन वाला सालन बना रही थी, और साथ में गोश्त वाला सालन बनाया था। शामी कबाब के साथ और मैक्रोनी बनाई थी, और दही भले थे, तो ये सारी चीज़ें, ये अब खाना वगैरह लगा रहे थे दस्तरखान पे, तो बंदे ज़्यादा थे माशाल्लाह से, फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, नंद वगैरह, उनके मियाँ, उनके बच्चे, फिर खुद घर वाले सारे, फिर एक चचा हैं साथ रहते हैं वो, उनकी फैमिली, तो फिर फैमिली बड़ी है, तो फिर इसलिए हम लोग ने पाए, और गर्मी भी थी तो पैर जो हम लोगों ने सेन में खाना लगाया था, तो फिर ये अंधेरा था, हालांकि लाइट्स वगैरह चल रही थी लेकिन इधर इतना अंधेरा आ रहा है। ये देखिए शामी कबाब वगैरह सारा कुछ, चावल, चिकन और सब्जियों वाले चावल बनाए थे, और मटन था और चिकन, मैक्रोनी, सब लोग अपना अपना खाना इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आज का दिन जो है वो बहुत बिजी गुजरा था, आज सुबह से ही काम में लगे हुए थे बस। गर्मी भी इतनी हुई हुई है, रमज़ान तो अच्छा गुजर गया लेकिन रमज़ान के बाद अब शदीद गर्मी हो रही है।
ये सारे जेंट्स थे तो वो खाना खा रहे थे, लेडीज़ कोई भी नहीं थी साथ, तो ऐसे सारे जेंट्स थे उन लोगों ने खा लिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग सारे बैठे थे, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया था। और ये जो पहले मोहम्मद इब्राहिम की वीडियो थी वो उसकी पुप्पो वगैरह ने उसको ईद दी थी, और ये अब सिंह साहब जो है ये अपने बांझों को ईद दे रहे थे, वो ईद मांग रहे थे कि ईद दें, तो ये फिर सिंह साहब अपने बांझों को ईद दे रहे थे सारों को। और ये बांझी है अरे, तो ये सिंह साहब ने इसको ईद दी है। तो मोहम्मद इब्राहिम की भी अच्छी खूब सारी ईद दी हुई है सारों ने, पुप्पो वगैरह ने, दादा बू ने, चाचू ने, और उधर नानों लोगों ने, सब ने इसको ईद दी है। तो अच्छी खासी इसकी ईद हो की है, अभी तो छोटा भी उसको पता नहीं है, जब बड़ा होगा फिर उसे पता होगा कि मेरी ईद ही है या कुछ इस तरह। और ये देखिए किचन अब खाना हुआ पड़ा हुआ के फारिग हो गए थे, तो ये किचन क्लीन हो गया, इलाज भरा थोड़ी देर में लेकिन काफ़ी सारा टाइम के बाद ये देखिए साथ में अपने ब्लॉग का किचन क्लीन कर लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।